अमावस की काली रात को सबसे शापित रात माना जाता है, क्योंकि अमावस की रात को भूत, पिशाच और चुड़ैल की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा होती है, और इसी डर से कोई भी व्यक्ति अमावस की रात को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रुकता। आज की कहानी है सुरेश की, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है। सुरेश बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन सुरेश का सपना पूरा नहीं हो पाया। सुरेश की मम्मी 6 साल पहले ही मर चुकी हैं, और तब से सुरेश अपने पापा के साथ रहता है। सुरेश काम करने के लिए शहर में जाता था और सब्जी बेचकर रात को वापस आ जाता था। एक दिन सुरेश सब्जी बेचने के लिए शहर गया होता है, और उस दिन अमावस भी होता है। सुनसान काली रात में रास्ते पर सुरेश साइकिल में घर जा रहा होता है। तभी सुरेश को ऐसा लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। सुरेश के मन में डर तो बहुत होता है, लेकिन वो अपना डर को काबू करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से सुरेश गिर जाता है। उसके बाद सुरेश अपना साइकिल उठाकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद सुरेश को एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है, और वो छोटा लड़का एक पेड़ के पास बैठकर रो रहा होता है। उसके बाद सुरेश जाकर उस छोटे बच्चे को पूछने लगता है, क्या हुआ बेटा, और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद वो छोटा बच्चा अपना चेहरा ऊपर करके सुरेश को देखने लगता है। उस छोटे बच्चे को देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं है, मानो कि जैसे कोई उसका शरीर का सारा खून पी गया हो। उस बच्चे का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके बाद वो छोटा बच्चा सुरेश को देखकर कहने लगता है, मम्मी मम्मी, आप इतने देर से कहाँ थी? उस छोटे बच्चे का बात सुनकर सुरेश बहुत डर जाता है, और सुरेश कहने लगता है, कौन है बेटा तुम्हारी मम्मी और कहाँ है तुम्हारी मम्मी? ये बात सुनकर वो छोटा बच्चा दौड़ते हुए भाग जाता है, और कुछ दूर जाने के बाद गायब हो जाता है। सुरेश ये सब देखकर बहुत डर जाता है, और साइकिल लेकर तेजी से घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचने के बाद सुरेश बैठकर बस एक ही बात सोच रहा था कि वो छोटा बच्चा मुझे क्यों मम्मी कहकर बुला रहा था। सुरेश डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। उसके बाद सुरेश अपने बेड पर जाकर सोने का कोशिश करता है, लेकिन सुरेश का कंधा बहुत दर्द करने लगता है। सुरेश सोचने लगता है कि साइकिल से गिर गया था, शायद इसलिए मेरा कंधा दर्द कर रहा है। उसके बाद सुरेश अपने बेड से उठकर बैठ जाता है, और तभी सुरेश आईने के पास जाकर अपना चेहरा देखने लगता है, तो सुरेश देखता है कि उसके कंधे पर एक बिना सिर वाली औरत बैठी हुई है। ये देखकर सुरेश बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। सुरेश का आवाज़ सुनकर सुरेश के पापा नींद से जाग जाते हैं, और सुरेश को पूछने लगते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? तभी सुरेश कपकपाते हुए कहने लगता है, मेरे कंधे पर एक बिना सिर वाली औरत बैठी है। ये सुनकर सुरेश के पापा सुरेश को कहने लगते हैं, कोई नहीं बैठी है तुम्हारे कंधे पर, देख लो। उसके बाद जैसे ही सुरेश फिर से आईने की तरफ देखने लगता है, तो उसके कंधे पर कोई भी नहीं बैठा होता। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सुरेश अपने पापा को बताने लगता है। तभी सुरेश के पापा सुरेश को कहते हैं, अमावस की रात को ये सब होना एक आम सी बात है, क्योंकि अमावस की रात को शापित रात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।